कॉलेज खत्म होने से पहले अगर मुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे ऐसा वैसा क्यों चाहिए, इसी से कर लेना। तुम करवा सकती हो दीदी। चल हट। एक हफ्ते से रैगिंग से बचने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि तुझे नागार्जुन चाहिए। तुझे तो नागा चैतन्य भी नहीं मिलेगा। अरे वो सब छोड़, तेरी कोई कजन आने वाली थी अभी तक आई नहीं। हाँ आई रही होगी। अरे वो न्यू एडमिशन है, कॉलेज के लड़कों को मिल गई तो। कॉलेज में आए तुम लोगों को 2 दिन नहीं हुए और तुम लोग यहाँ सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? अपने घर का फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पे क्यों उतार रही हैं मैडम? ए क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी अभी आपको हिंदी में बोला लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? रिस्पेक्ट, औरतों से ऐसी बातें नहीं करते। Hey, कौन है तू? मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है? मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, समझा? वो तो ठीक है, सॉरी बोली ने। नहीं बोलूंगा। Hey! अब बोलेगा। Hey! Hey, तू कहाँ जा रहा है? उसकी हेल्प करने के लिए। क्लास खत्म हो गई, चल अंदर। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। नहीं, तुमने मुझे पकड़ कर गिरा दिया। एक्सक्यूज मी? बिहार में गिराने के बाद एक्सक्यूज मी कह रही हो? हाँ? वैसे आज तक तुमने किसी लड़के का हाथ इस तरह से पकड़ा है? नहीं। अच्छी बात है, और आगे भी कभी किसी का हाथ मत पकड़ना। व्हाट? धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा तुमने अपना नाम नहीं बताया। आई एम चित्रा। मेरा नाम है विक्रमादित्य। Nice to meet you. आदित्य, pleasure meeting you. ये क्या? मेरा लेफ्ट हैंड हाथ मिला रहा है। चित्रा, एक काम करो, तुम मेरा ये वॉच रख लो, मैं भूल गया हूँ, 1 घंटे बाद मुझे कैंटीन में आकर देना, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? डरने की कोई बात नहीं है, मेरा कजिन सेकेंड ईयर में है, वो सब कुछ देख लेगा। हाँ उसी से तो हिम्मत है। अरे उसी बात का तो डर है, वहाँ विक्रम है। अगर उधर विक्रम है तो तुम तुलसी प्रसाद हो। यही घमंड मैंने फर्स्ट ईयर में भी दिखाया था। ए बिग बैग, जरा इधर आ। क्या है? एक बार जा फिर से वापस आ। क्यों? सर किसे बुलाएगी? जिसे बुलाना होगा उसे बुलाऊंगी। इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना होगा? लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी कितना ही होगा। सुना तूने? लास्ट ईयर कितना था? मुझे क्या पता, मैं तो याद ही नहीं। कूल कूल, तुम जाओ जाओ। आती हूँ। ऐसा करेगी तो नाक ही तोड़ दूंगा। अरे वाह, तुम्हें तो बिना कुछ बोले ही छोड़ दिया, दैट इज तुलसी प्रसाद। मैं भी यही सोचती थी, पर अगले दिन फिर से रोका मुझे। ए रुक जा छोटा भीम। बोल क्या है? इसको सर बोलने की आदत नहीं पड़ी है। आगे हो जाएगा ना। अभी इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना है? बोला ना लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी भी उतना ही होगा। हाँ तुमने बोला तो था लेकिन लास्ट ईयर कितना? अरे मुझे कैसे पता सर। मैंने बोला था ना ये बोलेगी। ओह पार्कर पेन है। हाँ सर पार्कर पेन है। लवली लवली कैच इट। जाओ सर पेन दे दो ना। हाँ, काम तो कैप का है ना। अच्छा बता फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, इतने छोटे कैप से पूरे कॉलेज का नाप लेने को बोला। तुझे भी बोला इस वॉच से कॉलेज का नाप लेने के लिए? उससे भी बड़ा प्लान बनाया था। ये चाहिए क्या तुझे? सर आप वॉच लेना भूल गए थे। ओह थैंक्स चित्रा। जो चीज तेरे हाथ में होनी चाहिए वो इसके पास कैसे गई? अरे बताया ना भूल गया था। तू भूल गया था कि इसने ये घड़ी चुरा ली तुझे पटाने के लिए? ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच में चित्रा? एक बात बोलूं दोस्त,
दुबली पतली लड़कियों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्या लॉजिक है यार? खरबूजे तू नहीं समझेगा। अरे ये तो रूट कर चली गई। लड़कियों को एटीट्यूड दिखाने की आदत होती ही है। मेरी दादी अक्सर एक बात कहती थी, अगर किसी को सताना है तो उसे रुलाओ और अगर किसी का दिल जीतना है तो रोते को हंसाओ। माँ की दी हुई वॉच यार, 15 दिन से काम नहीं करी है, इस फ्रस्ट्रेशन में था। उसकी फर्स्ट टच में ही स्टार्ट हो गई। सेंटीमेंट, तेरा टाइम आ गया भाई। इस वॉच से मेरा कितना इमोशनल अटैचमेंट है पता है? अगर तुम मुझे ये नहीं देती ना तो। आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं सर? आपने ही तो दी थी। बताओ क्यों दिया था? किस लिए दी थी? अरे यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दिया? अरे धीरे धीरे पता चल जाएगा। जाओ। ये मेरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बन गया है। विलन का तो पता नहीं, मगर इसके सपोर्ट के बिना तेरी शादी नहीं हो सकती है? मेरी शादी में इसकी क्या जरूरत है? वो ऐसा है ना, मंगलसूत्र दोनों हाथों से बांधा जाता है, एक हाथ से नहीं बांध सकते। पता है मेरी दादी क्या कहती थी? भास्कर, तेरी दादी कब मरेगी बे? सर। कौन है बे? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है मुझे। किस लिए? प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? लाइब्रेरी के बगल में है सर। वो कहाँ है? लेफ्ट जाके राइट में 4th रूम है सर। थैंक्स। प्रिंसिपल का नाम क्या है? अरे पद्मा रमन नाम है सर, वो हमारे प्यून का नाम है। अच्छा हा? वो प्यून है क्या? रोज हाय हेलो करता है, मुझे लगा प्रिंसिपल है। क्या बात है सर, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारे बिहेवियर को लेकर अब तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है विक्रम, लेकिन आज ये लड़की तुम्हारी कंप्लेन लेकर आई है। तुम इसको फॉलो करते हो, इसे टच करने की कोशिश करते हो, क्या है ये सब? सर फॉलो कर रहा हूँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये टच मैंने नहीं किया। ये तो ये बीच में वो कौन है? मतलब मैं भी वही हूँ सर, पर मैं वो नहीं हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ये पता नहीं चल रहा है। फाइनली बोल रहा हूँ विक्रम, सुन लो, अगर फिर से ये कंप्लेन आई ना तो आउट कर दूंगा। सर इतनी बड़ी बात बोलने की क्या जरूरत है, ये रिपीट नहीं होगा जिंदगी में, कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा बोलकर उस लड़की का हाथ पकड़ रहे हो तुम। वो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे ना सर, इसलिए मैं हाथ पकड़कर वादा कर रहा हूँ सर। चलो हाथ छोड़ो। हाँ सर छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? सर मैं लड़की को अच्छी तरह समझा कर छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ, समझा कर छोड़ देना। हाथ छोड़ो। प्लीज छोड़ दे यार। अरे मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, छोड़ दे। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और आएगा तो भी तुम विश्वास नहीं करोगी। चलो छोड़ो। अरे छोड़ ना यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, छोड़। अरे छोड़ भाई। देखा छोड़ दिया। क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ ना? यस। ज्यादा नहीं, थोड़ा। कब से इसे देख रहा है तू, बोर नहीं हुआ? अरे यार इस तरह कोई भी बोर नहीं होता, इसे प्यार कहते हैं। हाँ, मेरी दादी का खून। मुन्ना गैंग चित्रा को रैगिंग के नाम पर सता रहे हैं और उससे बदतमीजी कर रहे हैं सर। अरे तेरे छूते ही उसकी घड़ी चालू हो गई, अगर मैं तुझे किस करूं तो। अरे रे रे। क्या कर रहे हो यार? वही जो तू करता है, रैगिंग। मैं जो करता हूँ वो अलग है और ये अलग है। क्या अलग है? हीरो में और गुंडे में तुझे फर्क नहीं पता? अच्छा क्या फर्क है? मैं बताता हूँ, हीरो हीरोइन को सताए तो हो सकता है कि वो उससे प्यार करने लगे, लेकिन जब एक गुंडा हीरोइन को सताता है तो हीरो आके उसको तोड़ देता है। अच्छा वो कैसे? ऐसे। मैंने बोला था ना, किसी को तेरा हाथ पकड़ने नहीं दूंगा। दादी के डायलॉग ने काम कर दिया यार। ए दादी द ग्रेट। चलो 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 क्लासरूम में चलो। हेलो, क्या चाहिए? अरे बदला, ये हमारा एरिया है, तू ऐसे ही चला जाएगा? इसकी तो। किसी को चिकनगुनिया के बारे में पता है क्या? हाँ पता है ना, जब वो होता है तो पूरे 2 हफ्ते शरीर गर्म रहता है। मैं मारता हूँ तो 2 महीने रहता है, इसकी जरूरत है क्या? चलो जाओ। अब इसे क्या हो रहा है? बहन श्वेता 2 मिनट के लिए अपनी चुन्नी दोगी क्या?
मौका मिलते शुरू हो जाते हो। जब मौका मिला तो क्या किया, चांस मिला तो मजा आ गया होगा ना। वाह, विक्रम ने हाथ खोल दिए और आदित्य ने हाथ बांध लिए। अब देखो कितना मजा आता है। प्यार हो या किस हो, लड़की की मर्जी होनी चाहिए तो ही रोमांस होता है। हा? अगर जोर जबरदस्ती हो तो वायलेंस होता है। सॉरी, समझ गया ना? समझ गया। थैंक यू।